जय भवानी सभी को भाई, जय राजपूताना, जय महाराणा। सभी भाइयों को बता देते हैं आज कि ये हमारा गांव है जो आप देख रहे हैं ना, ये गांव है और ये हमारे गांव की का जो ये है ना, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये गांव का मैन, एक जो गांव में एंट्री करने से पहले जो चौक होता है, अड्डा होता है, वो है ये। और पूरा गांव जो है हमारा वो सारा उस तरफ है, यानी कि आगे की तरफ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे ये जो रोड़ है जैसे तालाब आ गया एक, और फिर ये आगे पूरा गांव ही है। ठीक है जी, ये गांव है, गांव की मेन सड़कें हैं और ये आगे गांव है। ठीक है, और ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं ये चार दीवारी अभी अभी हो रही है, काम चल रहा है यहाँ पर। ये यहाँ पर राजपूत भवन बनेगा, राजपूत भवन बनेगा यहाँ पर। ये मंदिर बन चुका है यहाँ पे, अब यहाँ पे राजपूत भवन बनेगा हमारे गांव में। तो हमारे क्या है कि एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ अभी कि काफ़ी समय से है ना, मेरी स्टार्टिंग से ही एक सपना था मेरा कि हमारे गांव में, जब किसी भी गांव में हम एंट्री करते तो ये पता लगना चाहिए कि भाई ये गाँव किसका है। तो हमारे भी दिल में यही थी कि भाई पता लगना चाहिए ये गाँव किसका है। तो अभी जो सरपंच बने हुए, प्रधान बने हुए हैं हमारे गांव के, वो हमारे परिवार से ही हैं, मतलब एक परिवार ही हमारा। तो हमने उनके आगे सभी युवाओं ने इकट्ठे होकर, हम युवा जितने भी सभी गांव में इकट्ठे होते हैं, जैसे हर संडे को या फिर महीने में दो बार चार बार भी हो जाते हैं अगर कोई मुद्दा काम की बात होती है तो, क्योंकि युवाओं को सभी को साथ लेके चलना है ना। तो पहले सभी जो भी काम होते हैं अपने गाँव से ही होते हैं, तो गाँव के सभी युवा इकट्ठे होते हैं। मैंने गाँव में एक मुद्दा उठाया था कि भाई हमारे गांव में जब कोई बाहर से लोग आते हैं तो उनको ये पता लगना चाहिए ये गांव किसका है और गांव ये किसने बसाया था। जैसे कि आप देखते हो भाई, महाराणा प्रताप जी की, पृथ्वीराज चौहान साहब की, सभी की हर गांव में ये मिल जाएगी, स्टैचू मिल जाएगा, मूर्तियां मिल जाएंगी, लेकिन जिसने गांव बसाया है, गाँव बनाया है, उसका कैसे पता लगेगा? क्योंकि हम जिसके गाँव में, जिन्होंने बसाया गाँव को, तो उसके ऊपर भी तो गर्व करना, बहुत प्राउड करना बहुत बड़ी बात होगी ना, उनके ऊपर भी तो प्राउड करना पड़ेगा कि जिसने गाँव बनाया। तो मैंने एक मुद्दा उठाया था कि जिसने हमारा गाँव बसाया उनका नाम था ठाकुर पालू सिंह तंवर, ठाकुर पालू सिंह तंवर। तो हमने कहा कि भाई गांव में एक ऐसा, गांव में जब एंट्री करने से पहले उनके नाम से चौक बनना चाहिए, स्टैचू लगना चाहिए, चाहे वो सब हम युवाओं के पैसे इकट्ठे करके भी क्यों ना करना पड़े, तो हम अपने गांव में ऐसी चीज़ बनवाएंगे। तो अभी हमने सरपंच साहब को ये बात कही, अपनी बात रखी, तो उन्होंने हाँ भर ली। अब उन्होंने कल से ये निर्माण करवा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये हो रहा है ना, ये बन रहा है, यहाँ पे पत्थर लगेगा ठाकुर पाल सिंह तंवर का, कि हमारा गांव कौन सी सदी में, मतलब कौन सी सदी में और कितने वर्षों पहले बसा था, उनके पिताजी माताजी का क्या नाम था ठाकुर पाल सिंह तंवर के, और गांव में जितने भी मतलब भी गांव कब बसा था, उनके परिवार के वंशजों का सभी का नाम, क्योंकि हम उन्हीं के वंशज हैं ठाकुर पालू सिंह तंवर के, उन्होंने ये गाँव बसाया था, हमारा गाँव, गाँव का नाम है गाँव पालुवास, और ठाकुर पालू सिंह तंवर ने, यहाँ पे उनकी स्टैचू लगेगी, मूर्ति लगेगी, यहाँ पे पत्थर लगेगा, उनकी सारी जितना भी उनका, उनके ऊपर जीवनी है जो भी है वो लिखी जाएगी। और हमारा बस ये तो हो गया, और अभी वहाँ पे जब हम आगे जाएंगे, ये गांव के परली साइड, उस साइड जाएंगे अगली साइड, तो वहाँ पर बन रहा है अभी स्टेडियम, उस स्टेडियम का नाम हमने करवा दिया महाराणा प्रताप स्टेडियम। फिर वहाँ पर ये आगे आप देख रहे हैं, ये गाँव है ना, गाँव आगे उधर भी गाँव है, जो हमारा शहर का बस स्टैंड है, भिवानी का जो बस स्टैंड है, मेन बस स्टैंड, क्योंकि हमारा एक गांव है कस्बा टाइप में है, तो उस गांव में, हमारे गांव में एक वो बनेगा, मतलब जो भिवानी का बस स्टैंड है वो बिल्कुल हमारे गांव में ही है। तो वहां पर क्या होगा कि जो भी गांव का जो मेन बस स्टैंड है तो उसके पास में एक गाँव का जो मोड़ है उस पर एक द्वार बनेगा, उस पर लिखा जाएगा क्षत्रिय निवास, मतलब ऐसे करके कि राजपूताना गढ़ गांव पालवास आपका स्वागत करता है, ऐसे। ठीक है, वो बनवा रहे हम, और ये अभी आपको पता ही है, यहाँ पे स्टैचू लगेगा और यहाँ पे उनके जीवनी के बारे में लिखा जाएगा, वहाँ पर महाराणा प्रताप स्टेडियम होगा, और ये जो महाराणा प्रताप भवन बन रहा है आप देख रहे हैं, ये अभी काम स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, ये अभी चार दीवारियाँ निकल रही हैं, लेकिन हमारा तो बस ये एक सपना और रह गया, बस यही है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर राजा रामसा तंवर जी, जो महाराणा प्रताप जी के बहनोई थे, और वीर नंगपाल सिंह तंवर जो दिल्ली के राजगद्दी पे, जो दिल्ली पे राज करते थे, उनके नाम से इसमें एक छोटा सा म्यूजियम और बनवाना है। बस ये एक छोटी सी और एक सपना रह गया, जल्दी शायद माँ भवानी ने चाहा तो ये भी पूरा होगा। बाकी आप सब आशीर्वाद व प्यार बनाए रखें,
यहाँ पे एक मेरे को बहुत सपना मेरा कि यहाँ पे महाराणा प्रताप जो भवन है यहाँ पे चार दीवारी हो रही है, यहाँ पे म्यूजियम बनाया जाएगा और म्यूजियम बना के यहाँ पे फिर निःशुल्क, चाहे मैं अपने पैसों से ही क्यों ना बनवाना पड़े, सभी युवाओं को इकट्ठा हो गए तो यहाँ पे एक म्यूजियम बनवाएंगे और उनके बारे में राजा रामसा तंवर जी और महाराजा नंगपाल तंवर, महाराणा प्रताप जी जैसे यहाँ पे म्यूजियम बनाएंगे और फ्री निःशुल्क सभी को यहाँ पे दिखाया जाएगा उनके बारे में जीवनी वगैरह, मेरी एक मतलब सोच है ये। और अभी स्टेडियम बना ही रहा है, स्टेडियम का नाम लिखा बना दिया गया वहाँ पे गांव में, वहाँ पे मतलब जिम का सामान होगा, हेल्थ क्लब का सारा स्टेडियम में बच्चे प्रैक्टिस करेंगे उसका नाम होगा, वैसे उसमें 36 बिरादरी का मोस्ट वेलकम है लेकिन नाम उसका रखा जाएगा महाराणा प्रताप स्टेडियम। ठीक है जी, तो बस यही चाहता हूँ, यही कह रहे थे कि मतलब बात ये है कि ये भी सच्चाई है, जब हमारा सरकार में देखिए ऐसा है कि हम राजनीति में ना होते हुए भी ना, अगर अपना अगर आपके पास में किसी ने कलयुग में कहा, उसमें कहा था महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण भगवान ने कि कलयुग है संघ शक्ति, कि कलयुग में उसकी जीत होगी जिसका के पास में संघ होगा, संघ की ही जीत होगी, रचना चौधरी नाम तो बोल दो, हाँ बिल्कुल बोल रहे रचना चौधरी जी आपका नाम। तो बात यह है कि जो अपनी जो पॉपुलेशन है ना अपने गांव की, शहर की, जहां की भी है, तो आप सभी उन पे गर्व करिए और अपने गांव की जो पॉपुलेशन है ना उन सभी को साथ इकट्ठा लेके चल के अपनी बात सरकार के आगे रखिए, तभी काम हो सकते हैं आपके, नहीं तो काम नहीं होंगे। ठीक है ना, तो मैं सभी से बस यही कहना चाहता हूँ कि सभी से यही कहूँगा कि मेरे भाई अपना अपना जो भी गांव है, प्रदेश है, जिसने हमारा शहर गढ़ गांव कस्बा बसाया है उसके नाम से भी अपने गांव का नाम में उसकी भी जिन्होंने उनकी अहम भूमिका रही है जिन्होंने गांव बसाया, तो सभी से यही कहूँगा कि अपने अपने गांव का मैं सभी गांव में मतलब उनके नाम से एक स्टैचू लगवाओ, स्टैचू नहीं लगवा सकते तो एक पत्थर लगवाओ ताकि उन ये पता लगे कि ये गांव किसने बसाया था। अब ये क्या पता किसी को कि भी ये गांव किसका, बाहर के लोगों को कैसे पता लगता, पता लगेगा जब यहाँ पे क्षत्रिय राजपूत ठाकुर पाल सिंह, पालू सिंह तंवर के नाम से उन्होंने यहाँ बसाया था इस गांव को, तो एक प्राउड फील होता है। यहाँ पे हमारे गांव में 36 बिरादरियाँ रहती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिन्होंने बसाया था उसके ऊपर तो प्राउड करना, वो तो उसके ऊपर 36 बिरादरियाँ भी करती हैं, सभी बिरादरियाँ करती हैं, गांव में अच्छे से खूब सभी एक साथ मिलजुल के रहते हैं, आज तक किसी भी समाज का आपसी किसी का भी कोई टकराव नहीं हुआ है ना कोई बात है, बहुत अच्छे ढंग से तरीके से रहते हैं। लेकिन बात यह है कि जिसने गांव बसाया था ना उस पर प्राउड करना भाई बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी भाइयों से यही कहूँगा, ज़्यादातर अपने हरियाणा में जितने भी भाई हैं भाई सभी से ये बात भी कहूँगा कि अपने अपने गांव में ना जिन्होंने गांव बसाया ठाकुर साहब ने उन सभी का एक स्टैचू फोटो या गांव में द्वार बनता है तो वहाँ पे लगा दीजिए, क्योंकि महाराणा प्रताप जी का सभी को पता है कि ये राजपूत थे, पृथ्वीराज चौहान साहब का पता है, सभी का पता है, जगदेव परमार जी का पता है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है जिन्होंने गाँव बसाया था गाँव के नाम से, मतलब बहुत ज़रूरी है। ठीक है कि भाई गांव किसने बनाया है, जब इसे गांव बसाया है जभी तो हम यहाँ पैदा हुए हैं जभी तो हमने भी समाज के बारे में कुछ सोचा है, तो ये किस लिए कि हम जब इस गांव में रह रहे हैं इस गांव का पानी पिया, इस गांव में रह रहे हैं, जिन्होंने हमारे भी वो बाप दादा ही थे उन्हीं के हम संतान हैं ठाकुर पाल सिंह तंवर की, तो उनके ऊपर प्राउड करना बनता अपना है ना, क्योंकि गाँव में एंट्री करने से पहले साफ बात ये कि ये लगना चाहिए कि भाई ये गाँव किसने बसाया था, किसने बसाया था, वो कौन सी जाति से बिलोंग करते थे, कौन से समाज से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये बात अपने लिए बहुत ज़्यादा एक महत्व रखती है। लून सिंह अकाली जी भाई, इसमें क्या हंसने हंसने वाली बात है भाई। तो बात ये है कि भाई सभी अपने अपने गांव में मतलब बनाइए, अपने हरियाणा के सभी भाइयों से तो खास करके मेरा निवेदन है कि सारे भाई भाई अपने अपने गाँव में बनाइए, जैसे पास आस पास में हमारे यहाँ पर कितने अपने राजपूतों के गाँव हैं, 84 गाँव हैं, तो 84 गांव में अभी तक किसी ने मेरे हिसाब से नहीं बनाया होगा कि अपने गांव में भी गांव किसी ने बसाया, उस गांव का जिन्होंने बसाया ना उस गांव का नाम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और भाई बस मैं यही कहूँगा कि कोई भी काम करने से है ना सरकार में हाथ होना ज़रूरी नहीं है कि भाई सरकारी आप सरकारी हो आप राजनेता हो जब ये काम हो सकते, नहीं काम हो सकता है तभी जब आप संघर्ष करोगे और एक रहोगे, संगठित बन रहोगे, जब संगठन बनाओगे ना तो अपने आप ही काम होगा, क्योंकि सरकार झुकने पर मजबूर हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अपने गांव में जो भी आपका सरपंच है, गांव के मेंबर हैं, प्रधान हैं, जो भी हैं, उन सब से आप बोलिए कि हमारे काम करवाएं तो आपके काम कराएंगे वो ना। तो आपके काम कराएंगे, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं कराएंगे, जो आपको बता ना। तो चलो ठीक है भाइयों, जय भवानी जय राजपूताना। क्या हाल है मोनू भाई,